पहला काम है हमारा, जो एक इनफरादी काम है हमारा, वो है कि हम अपने माहौल को साफ रखें। और हमारा माहौल कैसे साफ होगा? जब हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम कचरा नहीं फैलाएंगे। तो आप कौन से माहौल में रहना चाहते हैं? एक खूबसूरत माहौल में रहना चाहते हैं या एक ख़राब माहौल में रहना चाहते हैं? गंदी गली में जब तुम लोग कचरा फेंकते हो तो उससे होता क्या है, इंसानी सेहत में क्या होता है तुमको पता है? ये तेजाबी आलूदगी क्या होती है? जर्म्स फैलते हैं। वहाँ गटर का पानी का स्मेल आपके घरों में आता है, वहाँ पे ताज़ी हवा के साथ वो गंदगी हवा आपके अंदर आती है। उस हवा के अंदर आपको पता है कितनी कितनी जहरीली गैसेज होती हैं। हुकूमत सिंध ने और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे मेयर हैं और हमारे MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और उनका अमला, उन्होंने एक मुनज़्ज़म निज़ाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस कचरे को कारामद बनाएं। ये अच्छी बात होगी या ऐसी बात है? कारामद तो वो जो कारामद बनाना है वो सिर्फ उस वजह से हो सकता है कि हम रोड पर नहीं फेंकें कचरे को। हम बेटा ये आपको ब्रोशर्स दे रहे हैं, ठीक है? हर बच्चे को ये 3-3 मिलेंगे, उस पर हमारी कंपनी का कंप्लेंट नंबर है। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं आती, तुम्हारे पास डब्बा नहीं है, तुम उस नंबर पे कॉल करोगे, तुम लोगों को वहाँ डब्बे रख के दिए जाएंगे, तुम्हारे इलाके में आके गाड़ियाँ उठाएंगी। और हम इस तरह आहिस्ता 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 इंशाल्लाह इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को एक साल में बेहतरीन एक मॉडल बना देंगे। हमें आपसे उम्मीद है कि आप अपने घरों में जाएंगी और आज से अपने घर की जो सफाई सुथराई के बाद जो डस्टबिन होता है, अगर गाड़ी आ रही है तो आप उस गाड़ी को देंगी, गाड़ी नहीं आती तो अपने इलाके में डस्टबिन देखो बेटा कहाँ पर हो। मोटरसाइकिल पे गाड़ी में अपने अब्बू के साथ जाती हो ना, देख लो और अपने अब्बू को भी कहो कि यहाँ पर मुझे कचरा फेंकने जाना है।